इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है राजधानी रांची से। जेएसएससी कार्यालय की चार दीवारी से 100 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। बिना पूर्वानुमति के किसी प्रकार के धरना, प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, रैली या आम सभा पर रोक लगा दी गई है। जेएसएससी कार्यालय के पास बड़ी संख्या में पुलिस की भी तैनाती है। छात्र संगठनों के हंगामे को देखते हुए पुलिस की यह तैनाती की गई है। रैफ की बात कर ले, आईआरबी की बात कर ले, एसएटी की बात कर ले, इनके तमाम जवान की तैनाती है। मुख्य गेट में डीएसपी स्तर के अधिकारी तैनात कर दिए गए हैं। जेएसएससी सीजन परीक्षा के बाद लगातार प्रदर्शनों का दौर चल रहा है। छात्रों का एक दल जेएसएससी चेयरमैन को सौंपने वाला है पेपर लीक का सबूत। तो जिस तरीके से जेएसएससी सीजन की परीक्षा आयोजित हुई थी पिछले दिनों, और उस वक्त कई छात्रों ने कई केंद्रों पर हुए पेपर लीक की आशंका उन्होंने जाहिर की थी, कई बिंदुओं को उन्होंने सामने रखा था। सबसे पहले छात्रों का यह आरोप था कि पेपर जो उन्हें मिले, क्वेश्चंस पेपर के सील टूटे हुए थे, यानी कि पेपर लीक हुआ है। तो ये कुछ आरोप थे जो छात्रों ने लगाए हैं, और इसके खिलाफ लगातार छात्रों का विरोध प्रदर्शन भी हमें देखने को मिल रहा है। सीधे आपको लिए चलते हैं जेएसएससी कार्यालय, जहां से हमारे संवाददाता अजय लाल जुड़ रहे हैं, और उनसे ही सीधे जाने की कोशिश करते हैं। अजय, सुरक्षा बढ़ा दी गई है, आपके पीछे ये तमाम तस्वीरें दिख रही है कि रैफ आईएसआईटी के तमाम जवानों की वहां पर तैनाती की गई है। उग्र प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है, एक तरफ छात्रों का, एक तरफ विभाग की ओर से प्रेस वार्ता भी होती है, सफाई भी सामने आती है, लेकिन अब ये जवानों की तैनाती कर दी जा रही है। बिल्कुल सुचिता, जेएसएससी कार्यालय के पास आज सुरक्षा काफी बढ़ा दी गई है। हमारे पीछे जेएसएससी कार्यालय का मुख्य गेट आप देख पा रही होंगी, आपके माध्यम से हमारे दर्शक देख पा रहे होंगे, बड़ी संख्या में पुलिस की तैनाती यहां पर की गई है। और दूसरी तस्वीर हमारे पीछे, ठीक पीछे की तस्वीर मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। उस दृश्य को देख कर आप समझ सकती है कि कितना बड़ा आंदोलन की रूपरेखा यहाँ के अभ्यर्थियों ने निकालने की योजना बनाई है। बड़ी संख्या में आप देख पा रहे होंगे सीजीएल अभ्यर्थियों की यह संख्या है जो जेएसएससी कार्यालय के पास मौजूद है। मैं सीधे कुछ छात्रों से बात करने की, देखेंगे बड़ी संख्या में जहां जहां नजर दौड़ाएंगे आपको सीजीएल परीक्षा के अभ्यर्थियों का हंगामा यहां पर दिखाई पड़ा होगा। एक बार फिर वही दृश्य, वही कहानी, सब कुछ मनोज जी, वही कहानी। 8 साल लगता है कि श्रापित हो गया जेएसएससी। श्रापित नहीं है, ये लोग फिक्स कर लिया है। ये लोग जो पैसा लिया है, पिछले बार लिया था, वो बोला कि अबरी नहीं करा पाए, लेकिन अगला बार की करवा देंगे। ये लोग, आप बताइए, आप लोगों ने पूछा कि ये क्वेश्चन कैसे प्रीवियस ईयर से आया। भाई ये हो सकता है ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, रिपीट हो जाते हैं। सुनिए सुनिए, देखिए सुनिए, प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन पूछा जाता है। आप 10 साल का क्वेश्चन लेंगे तो एक एक क्वेश्चन उठाते हैं, एक एक मिलेगा। एक चाहते हैं आप लोग, आप रद्द रद्द, ये रद्द माने रद्द, एक ही मांग रद्द, जेएसएससी सीजीएल रद्द, नहीं तो फैसला ऑन द स्पॉट होगा। पिछला बार की आप देखिए, आप देखिए, आप 8 साल लड़का लोग पढ़ पढ़ करके मर गया, और उसके बाद में भी आप जो सेटिंग गेटिंग करिएगा, क्वेश्चन आउट हुआ सर, सारी दुनिया को पता है, आप मीडिया हैं, आपको भी पता है कि क्वेश्चन कैसे आउट हुआ है सर। आपको परीक्षा के पहले, और सबसे बड़ा हम बता रहे हैं, एगो गाना बजा था भोजपुरी में कि दिया बुता के तूने क्या क्या किया, क्या गाना था, दिया बुता के तूने क्या क्या किया, ये इंटरनेट बुता के तूने क्या क्या किया, ये सब जो है वायरल पहले ही हो जाता, लेकिन इन्होंने इंटरनेट बंद कर दिया था जिसके कारण ऐसा हुआ। भाई कुछ तो करना होगा, देखिए आपको बता रहे हैं, लड़के कलम के बाद सिपाही होते हैं, ये लड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन बाध्य कर दीजिएगा तो लड़ेंगे ही, इसलिए आपको बता रहे हैं कि जेएसएससी हाय हाय। अजय, इनसे एक सवाल का जवाब दीजिए और इनसे पूछने की कोशिश कीजिए कि कल प्रेस वार्ता हुई थी, क्या उस प्रेस वार्ता से ये संतुष्ट है, क्योंकि पेपर क्वेश्चंस जो रिपीट हुए थे उस पर भी विभाग की ओर से सफाई सामने आई, जो पेपर सील खुले होने के बाद कही गई उस पर भी जो है सफाई विभाग की ओर से सामने आई थी, क्या उस प्रेस वार्ता से ये संतुष्ट नहीं है, इनसे जानने की कोशिश कीजिए।
बिल्कुल 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 सुष्मिता, बिल्कुल मनोज जी, सुष्मिता क्या पूछ रही थी आप? बिल्कुल अजय, मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि इन अभ्यर्थियों से बात कीजिए और इनसे सीधे जाने की कोशिश कीजिए। इन्होंने कई आरोप लगाए थे, दो तीन बिंदु थे जिन पर चर्चा हुई थी, विभाग की ओर से प्रेस वार्ता भी सामने आई थी। तो क्या ये अभ्यर्थी, क्या ये छात्र उस प्रेस वार्ता से संतुष्ट है जो कल जवाब विभाग की ओर से दिया गया है? मनोज जी, हमारी एंकर सुष्मिता पूछ रही कि कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, सफाई कौन देता है? जो चोर रहता है वो सफाई देता है। आपको बताएं, अभी इतना परीक्षा हुआ झारखंड में, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस संतुष्ट नहीं आप लोग? देखिए आप ये सुनिए पहले, इधर आप अच्छे पत्रकार हैं लाल सर, आप बताइए कि यूपीएससी परीक्षा होता है ना? बिल्कुल। उस दिन पूरा भारत का इंटरनेट बंद, कर्फ्यू लग जाता है। लगा है कभी? यानी कि आपको परीक्षा करानी है तो कर्फ्यू लगाना होगा। ये आप ही बताइए यार, ये जो आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे, ये लोग ढकने का कोशिश कर रहा, जिंदगी पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस, और जितना आरोप लगाए हैं सब बोल रहे हैं सील करा है तत्, ये बोलते हैं सील खुला हुआ, बोल हाँ खुला मिला है कुछ ला है, तो ये क्या क्वेश्चन का जरूरत थे? रिपीट क्यों के बोले कि हो सकता है, ये हो, ये सब हो सकता है, इनका राज में सब हो सकता है, ये इनका राज में सब हो सकता है। फेयर परीक्षा क्या छात्र, क्या छात्र क्या चाहते हैं एक बार बोल दीजिए, क्या एसएससी हो एसएससी रद्द करना होगा, सेटिंग गेटिंग नहीं चलेगा। चलिए अजय, छात्र की मांग क्या है ये स्पष्ट है, प्रेस वार्ता से बिल्कुल भी ये छात्र संतुष्ट नहीं है और ये कहा जा रहा है कि अपनी गलतियों को छिपाने के लिए जो कभी नहीं किया गया वो किया गया, यानी कि प्रेस वार्ता कर इन तमाम विषयों को सामने रखा गया। बहुत बहुत शुक्रिया अजय आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और सीधे इन अभ्यर्थियों से बातचीत करने के लिए और इनकी राय जानने के लिए कि इनकी मांग क्या कुछ है। इन्होंने साफ तौर पर यह मांग किया है कि ये परीक्षा रद्द होनी चाहिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।